है सदर साहब ने मारा, अच्छा लगा। अभी फिलहाल हम जाल से मच्छी पकड़ने आए हैं, देखते हैं, ये चंबल नदी है, देखते हैं जाल में क्या होता है। बीच नदी में चल रहे हैं जाल से मच्छी मारने में, चलना बहुत पड़ता है। अच्छा आ गया इसमें चिलोर, अच्छा आ गया इसमें। एक तो बड़ा है, बड़ा है। अभी तक 2-3 किलो हो गई है। बीच नदी में चलना पड़ता है, चारों तरफ नदी नदी है, चंबल नदी है। बेला का लोट लगा है के, तो ऐसी ले जा रही है, बड़ी तो नहीं है, छिल रहा है। बहुत सारा आ गया, देखी तो मैं तुम्हें एक में शानदार काम। तो अब बहुत सारी हो गई है, कम से कम 5 किलो। देखते हैं अभी, कुछ बड़ा निकल गया है? ये दो तो सेम साइज के हैं मेरा, लेकिन बहुत गुस्से में है वो। ये छिला तो जाएगा मारा, इसको पकवान में जाते नहीं, घर वाली फोन लगाऊंगा कि मेरा मसाला कंप्लीट हो गया। काटा लायक नहीं है तोलने का, हाँ वो धीरे धीरे जमेगी अब सब। वो प्लान वाका था नहीं, वहाँ तो 5-6 जने गए, दिखाओ 6 जने गए। हाँ तो मिल गए थे रास्ते में, देखो पानी में चला जाओ। आदम भाई के लगा है रहू, तगड़ी छलांग मारी थी उसमें।
मैं बापू भाई ये तुम करिए बोल रहे हो, अगर रोने घर पर नहीं सब फेंकना पड़ेगा तुम्हारे तुम्हारा नहीं रहूंगा यार। कुछ देर बाद डोर चलिए चला गया अपना लगा है। उठाओ वो बलिया आ रहा कर, एक भी अलग गया नहीं, तो छोड़ना पड़ेगा जंगला तुम्हें, थोड़ा थकने दो जाएगा, फट पड़ जाएगा जंगला, खाली दबाना का काम भी मच्छी खा लेंगे अपने जंगले के भाई के बोसी से फेंक दूंगा जोर कर रही था उसको था। नहीं नहीं वो तो उसके हिसाब से खिलानी पड़ेगी, अपन जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो जिधर जाएगी उसे जाने देना, फट बलिया छोड़ देगी जगह कर दे हो जाएगी बस। ढीला भी छोड़ सकते हो आप, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट, ढीले हाथ है ना, उस हिसाब से बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अभी लगा तो उससे थोड़ा बड़ा है ना,